तो ये कहानी है एक साल पुरानी, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज का टूर करने गया था। सवात गए, वो वक्त नहीं, वो यादें नहीं, वो पल नहीं, वो दोस्त नहीं, वो वक्त नहीं, बस रह गई तो सिर्फ यादें। मैंने जिस ड्राइव में वीडियोस बनाई थी वो ड्राइव मुझसे कहीं खो गई थी, तो तकरीबन कोई एक साल बाद मुझे मिली है और अब मेरी ब्लॉग बनाने की जो चाह थी, जो मोटिवेशन थी, कुल ज़ीरो हो गई थी। तो अब मुझे वो मिली है और मैं दोबारा से वो स्टार्ट करूँगा। तो स्वात जाने के लिए हम बस में बैठे। बस में सफ़र बहुत लंबा था और हम लोग इंजॉय करते हुए लोकल गए थे हम लोग। और पहला स्टे है जेहलम में, दूसरा स्टे है और हमें जगह का नाम नहीं पता, हम कहाँ पे खड़े हैं पता नहीं, कौन सी जगह, सखा कोड है ये तो जगह। ये है अपना भाई बिलाल भाई साद, ये है फकीर और ये है अदील, ये है उमर, ये है बाजवा। एक मिनट यार, ये है फैज, मुझे खाए ये अर्सलान। बस यही है मेरे दोस्त अभी जो नज़र आ रहे हैं। हाँ जी अभी हम निकलेंगे यहाँ से, फिर हम पहुँचेंगे सुबह स्वात। तब तक के लिए अल्लाह। कलाम के लिए कोई ड्राइवर नहीं मान रहा था क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, 5 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, मतलब मैं तो अंदर फुल। यस, और ये भी क्योंकि हमारे का देख जैसे ही भाई मैं अभी तो वो सीन्स कुछ जैसे हैं कि सवारी के हिसाब से गाड़ी कितने बजाएगा? अभी गाड़ी आ रहा है, तुम अपने दोस्तों को फोन करो, बैग में सामान वामान तैयार करो, बाकी फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग हैं बहरीन में, बर्फ ही बर्फ है हर तरफ, बल्कि लाइव स्नो पड़ रही है। ये है बहरीन का बाजार, पीछे ये साद है, रेहान है, हमदा है, सफ़र कर रहे हैं। और बहुत आउट क्लास, ये देखें Thank you.
बर्फ पड़ रही है बहुत ज़्यादा। हम लोग अभी बहरीन में और हमारी जो बस है वो निकलने लगी है, तो हम वापस जा रहे हैं।